Okay, hello Messi, welcome back to my channel. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर अगेन हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे कंटिन्यू करता है ओके तो देखिए ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फिलहाल अभी हम पहुंचे हमारे लेक्चर नंबर नाइन्थ पे होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए या फिर किसी भी प्रीवियस लेक्चर्स की अगर आपको नोट्स की नीड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक आपके साथ शेयर करूंगी आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ओके तो देखिए अभी हम आगे बात करते हैं हमारे नाइन्थ लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है तो देखे ना नाइन्थ लेक्चर

पूछी गई हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर एडिशनल एप्लीकेशन भी एड करनी है तो वो भी मैं ऐड करवा दूंगी ओके तो देखिए अभी तो हम पर्टिकुलर डिस्कशन ले लेते हैं तो देखिए ना एक और चीज बता दूं कि बेंजो पायरोल को कॉमनली इंडोल करके बोलते हैं तो हम लोग बार बार इंडोल भी बोल सकते हैं बेंजू पैरोल भी बोल सकते हैं तो मतलब वही है ठीक है आप बेंजू पैरोल का कॉमन नेम क्या बोलेंगे इंडोल बोलेंगे ठीक है है अब देखो कैसे हम हम डिस्कशन में लेते हैं इसको सबसे पहले हम क्या इसका इसका स्ट्रक्चर 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 थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे के लिए पूछा नहीं गया बट आपको नोन होना चाहिए कैसा इसका नेमिंग है किस टाइप का ये कंपाउंड है तो थोड़ा पहले इंडोल पे यानी कि बेंजु पैरोल पर डिस्कशन लेंगे इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर देन पर्टिकुलरली इसके सिंथेसिस एंड रिएक्शन पर डिस्कशन लेंगे ठीक है तो रिएक्शन भी यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है मैंने डायरेक्टली एड कर दी है तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार देखने में लिखने में यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा और मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइम वेस्ट नहीं होगा ठीक है लिखने में ठीक है तो स्टार्ट करें लेक्चर को चलिए ठीक है तो देखिए ना लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं फर्स्टली स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल में यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं हैं उसको डिस्कस करते ठीक है थीके? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये बोल रहा है इंडोल इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको माइंड पर रखना है कि इंडोल जो है वो एक टाइप का यानी कि बेंजू पायर जो है वो एक टाइप का आपका बेंजूफ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है नाइट्रोजन का लेकिन ये एक टाइप का कैसा कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है यानी कि इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी होती है ओके अब आपको ये भी पता है अगर यहाँ पे अल्टरने ट पोजिशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्टरनेट पोजिशन तो तो में सिंगल डबल बॉन्ड तो है ओके okay? तो इट मीन यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी आपको मिलेंगे okay? लेकिन एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको सिंपली बताऊ तो इंडोल के अगर आप इंडोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंडोल आपको एरो

एक साइक्लिक रिंग आपकी क्या है सिक्स मेंबर एक साइक्लिक रिंग आपकी क्या है फाइव मेंबर तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है सिक्स बेंजीन रिंग फ्यूज नाइट्रोजनस कंटेनिंग पायरोल रिंग क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है एक तो आपकी सिक्स बेंजीन रिंग होती है कि कि किसके साथ साथ फ्यूज होती है फाइव मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के साथ जिसे आप पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं पायरोल रिंग बोलते हैं इतनी चीज क्लियर आईट तो दूसरा पॉइंट ये लिखना है ठीक है थर्ड आपको क्या बोल रहे हैं अब इसका आयोपेक नेम तो नेमिंग करना तो हमने सीखा था ये बोल रहे अगर आप इस इंडोल का या फिर बेंजो पायरोल का आयोपैक नेमिंग कराएंगे तो इसका आयोपेक नेम क्या बनेगा वन हाइड्रोजन बेंजो बी पायरोल इसका मतलब क्या हुआ ये बोल रहा है कि ये जो रिंग है यहाँ पे आपको क्या है बेंजीन के साथ जो ये पायरोल रिंग लगी हुई है ये बी फेज से जुड़ी हुई है अगर आप इसके फेज काउंट करेंगे तो कौन सा फेज आपको मिलेगा बी फेज मिलेगा और अगर आप यहाँ करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो नाइट्रोजन को मिलेगी नंबरिंग फर्स्ट और आपको बताया अगर नाइट्रोजन को नंबरिंग फर्स्ट मिल रही है तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ा जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को तो हम डिनोट करते थे तो हमने

एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज यहां पे नंबरिंग होगी यानी कि नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर एंड देन इस कार्बन को आपका सेकंड नंबर मिलेगा ना कि इस कार्बन एटम को तो यहां से कुछ इस तरीके से नंबरिंग होगी तो कितना आसान है लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि अगर आप इस इंडोल में जो कार्बन एटम है उनकी पोजीशंस देख के उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकलेगा sp2 और आपको पता है sp2 क्यों निकलेगा क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते थे अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे कितने नंबर की सिग्मा बॉन्ड है तो देखो एक इसकी वैलेंसी यहाँ भी रही दो यहाँ एक यहाँ तो फोर हो गई तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड से आएगा एक सिग्मा बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से आएगा और एक सिग्मा बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड से आएगा यानी इज थ्री और तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब एक एस और दो पी तो बन गया है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सारे कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा एसपी टू ही होगा क्लियर हुआ तो ये जस्ट इसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आप एड कर सकते हैं ठीक है नाउ तो अब हम पर्टिकुलरली इसके सिंथेसिस या फिर आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंडोल पर डिस्कशन लेते हैं ठीक है तो कैसे आप अपने इंडोल को सिंथेसाइज़ कर सकते हो कैसे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए हम लोग दो मेथड यहाँ तो दो से ज्यादा हो, हो जाएगा इसलिए दो पर्टिक अच्छे से याद करेंगे तो हो जाएगा इंडोल एंड इट्स डायरीवेटिव तो, an तो बोले वैसे तो हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप के मैथड है जिसके थ्रू हम लोग इंडोल को या फिर इंडोल के डायरीवेटिव को बहुत आसानी से प्रिपेयर करा सकते हैं ठीक है लेकिन कुछ

और जो है वो सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली मेथड है ओके okay? अब इस मेथड के अंदर आप करते क्या है पहले जिस रफली सुनिएगा देन हम थ्योरी पे जाएंगे इस मेथड के अंदर ना आपको एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए जो है आपका फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओके तो आपने क्या लेना है फिनाइल हाइड्राजोन लेना है एल्डिहाइड एंड कीटोन का देन उसकी रिएक्शन करानी है किसके प्रेजेंस में लुइस एसिड की प्रेजेंस में तो यहाँ पे आप जो लुइस एसिड लेंगे वो कोई रिएजेंट की तरह नहीं करेगा यहाँ पे आप जो यहाँ पे एसिड लेंगे वो जस्ट

यानी कि इंदौल मिल जाएगा या फिर आप बेंजो पायरोल की सिंथेसिस करा लेंगे अब जरूरी तो नहीं है ना कि बेंजो पायरोल ही मिले ये सब्सटीट्यूटेड भी हो सकता है यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप को ऐड किया हुआ है तो हमको क्या एक सब्सटीट्यूटेड बेंजो पायरोल मिल गया या फिर सब्सटीट्यूटेड इनॉल मिल गया ओके जिसे आप बोल रहे हैं टू मिथाइल 1H indole, okay? तो हमने क्या करानी यही रिएक्शन बतानी है, यही सिंथेसिस बतानी है तो पहले तो जैसे रिएक्शन एक्सप्लेन करती हूँ देन हम मैकेनिज्म पे जाएंगे तो रिएक्शन तो कुछ नहीं है सबसे पहले आपने अपना फिनाइल हाइड्राजोन लिया है इसमें आपने रिअरेंजमेंट जस्ट शो तो है कि रिअरेंजमेंट के बाद क्या हुआ आपने जस्ट यही किया दे, देखो यहाँ आपका जो सी था यहां से एक हाइड्रोजन गया है और इस नाइट्रोजन के साथ उसने अप्रोच किया है और ये डबल बॉन्ड आपका कहां शिफ्ट हो गया इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया तो यहां पे बन गया आपका सी एच थ्रू डबल बॉन्ड और यहां पे आपका सिंगल बॉन्ड आया और नाइट्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया हाइड्रोजन अब कैसे ऐड हुआ उसे हम मैकेनिज्म में देखेंगे ठीक है ये हुआ उसके बाद आपने क्या किया यहां से आप यहाँ पे बॉन्डिंग कराएंगे ठीक है यहाँ पे और बॉन्डिंग होगी यानी कि यहाँ साइक्लिक मॉलिक्यूल बन जाएगा ये क्या करेगा यहां से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड नीचे जाएगा और यहां से ये यह बॉन्ड यहाँ क्लीव होगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का बॉन्ड तो क्लीव हो जाएगा और यहाँ पे एक नई रिंग बनेगी देन आप क्या करेंगे इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट करेंगे ये आपका क्या बनेगा एनएसटी बन के ये वाला पोर्शन एनएसटी बन के एलिमिनेट होगा और यहां से ये यह इसके साथ कंबाइन होगा इसके साथ सॉरी ये तो निकल जाएगा ये आपका कंबाइन होगा इसके साथ अभी मैकेनिज्म बताऊंगी भी जिस रफली बता रही हूँ कि हुआ क्या ये इसके साथ कंबाइन होगा और आपको एक फाइव की रिंग मिली देखो ये आपका क्या बन जाएगा एन एच यहाँ से एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होगा ये बनेगा एनएच और यहाँ से आपको एक फाइव में रिंग मिलेगी यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ही मिल रहा है इसके नेक्स्ट पोजिशन में सीएसट्री मिल रहा है तो हमने क्या कर रहा है रफली यहाँ से एनएसट्री निकलेगा तो मैं ये जस्ट रफली बता रही हूँ अभी हम मैकेनिज्म पे चलते हैं रिएक्शन आप ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं अपना बेनजो फिनाइल हाइड्राजोन बनाइएगा रिएक्शन कंडीशन

फर्स्टली आपने क्या लिया अपना रिएक्टेड मॉलिक्यूल यानी कि फिनाइल हाइड्राजोन ओके okay? अब फिनाइल हाइड्राजोन में आपने क्या करना है सबसे पहले आप कराएंगे रीअरेंजमेंट माइंड पर रखिएगा सबसे पहले होगा रीअरेंजमेंट ठीक है रीअरेंजमेंट में आप क्या करेंगे देखो ये जो नाइट्रोजन हाइड्राजोन में क्या होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इस नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को आपने किसमें शिफ्ट करना है कार्बन एंड कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड में शिफ्ट करना है यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन को आप कन्वर्ट करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ओके अब ये कन्वर्जन होगा कैसे देखो

तो आपको पता है नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिलेगा आपका पॉजिटिव चार्ज क्लियर हुआ अब देखो ये तो ठीक हो गया अब देखो ये नाइट्रोजन भी आपका अनस्टेबल हो गया अनस्टेबल उतना नहीं हुआ है बट हो गया है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पॉजिटिविटी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे इसके एडजेसेंट पोजिशन में जो कार्बन आइटम आप यहां भी जा सकते हैं यहां भी जा सकते हैं सपोज मैं इस कार्बन एटम की बात कर रही हूँ तो देखो इस कार्बन के पास क्या है तीन हाइड्रोजन एटम है अगर ये कार्बन क्या है इन तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालता है या फिर उस हाइड्रोजन एटम के साथ अगर आप बोलो बॉन्ड तोड़ता है तो आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो कार्बन को मिलता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता तो मुझे क्या करना है बस यहाँ से कार्बन को देना है नेगेटिव चार्ज और रिएक्शन कंडीशन में एक एच पॉजिटिव आयन देना है और अगर मैं वहां से हाइड्रोजन निकाल रही हूं तो ये सी एच थ्री के बदले किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा और मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है सी एच टू में ओके अब क्या होगा देखो अब यहां से आपका डबल बॉन्ड भी चला गया देखिए मैं इसको भी हटा देती हूँ यहां से आपका क्या है डबल बॉन्ड भी चला गया ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में क्लियर ये सिंगल बॉन्ड हो गया ऐसे दिखा देती हूँ कर लोगे इतना अब क्या होगा देखो अगर इतनी शिफ्टिंग हो गई तो अब आपको क्या करना है बस ज्वाइन कर देना है नेगेटिव को पॉजिटिव में पॉजिटिव को नेगेटिव में देखो ये नेगेटिव है ये अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनएच तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला है एनएच ओके okay? और इसके एडजस्टेंट पोजिशन में अब आपको क्या मिल रहा है सिंगल बॉन्ड अब उसके एडजिस्टेंट पोजिशन में डबल बॉन्ड मिलेगा कैसे देखो ये सी एच टू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों ही आपके अनस्टेबल है और ज्यादा अनस्टेबल कौन है ये कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि कार्बो एनायन आपका ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू कार्बो केट आयन बिकॉज कार्बो एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन एक पॉजिटिव आइटम है पॉजिटिव के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता तो ये क्या करेगा अपने आपको स्टेबल करने

सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड सी एस टू एक सिंगल बॉन्ड सी एस क्लियर हुआ तो हमने क्या किया जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था उसे कन्वर्ट कर दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्लियर हुआ इतना करना है ठीक है तो ये पहला स्टेप है ठीक है अब दूसरा स्टेप भी आपका बहुत आसान है ध्यान सुने का बहुत आसान है क्या करेंगे देखो आपने जिस बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है कैसे आप क्या करेंगे ये जो यहाँ पे देखो आपने क्या है अल्टरनेट पोजिशन में बॉन्ड को शिफ्ट करना है यहाँ पे जो आपका पहले स्टार्ट यहाँ से करता है ये आपका जो पाई बॉन्ड है इसको आपने क्या किया देखो आप इसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को आपने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दे यानी कि सी के साथ दे दिया ताकि एक नया बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट हो ठीक है अब देखो ये कार्बन आइटम के एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा तो ये तो पहले स्टेबल था देखो ये इसके पास कितनी वैलेंसी है चार वैलेंसी है दो यहां से आ रही है दो यहां से आई है एक देखो हां दो यहां से दो यहां से यानी कि चार वैलेंसी इसके पास है तो ये सेटिस्फाई है अगर आप पांचवी वैलेंसी यानी कि इस डबल बॉन्ड के थ्रू भी एक नया बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे इसे पेंटा वैलेंट नहीं बन जाएगा ये तो पेंटा वैलेंट बन जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए ये अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा यानी कि ये जो बॉन्ड बना है इससे ये क्या करेगा नीचे की ओर शिफ्ट कर देगा यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसा ये सोचते हैं ठीक है अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो अब ये नाइट्रोजन को प्रॉब्लम होगी तो आपने क्या करना है इसके पास नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे यहाँ शिफ्ट कर देना है तो आपने जिस बॉन्ड की शिफ्टिंग की ओके okay? अब आप इसे ऐसे, ऐसे भी समझ सकते हैं जिससे एक बार तो मैंने ऐसे समझाया अब आप इसे ऐसे, ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज ये जो पाई बॉन्ड है इसे मैंने क्लीव किया और ये बॉन्ड मैंने किसकी और क्लीव किया इस कार्बन आइटम के ऊपर इससे दे दिया नेगेटिव चार्ज इसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये क्या कर सकता है एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता है तो इसने बोला इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू मैं इस नए कार्बन एटम के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूं तो कार्बन एटम के साथ ये तो बॉन्ड क्रिएट कर लेगा लेकिन कार्बन अब स्टेबल नहीं होगा बिकॉज उसने पांच वैलेंसी शो कर रही है तो ये अपने आपको स्टेबल करने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और पुराना बॉन्ड कहां की ओर टूटेगा नीचे की ओर यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा का, इस कार्बन एटम की ओर तो ये कार्बन बनेगा नेगेटिव चार्ज क्लियर हुआ अब ये बॉन्ड अगर नेगेटिव बन गया ये आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा बिकॉज ये आपका क्या है स्टेबल ही है ओके okay? अब अगले स्टेप में क्या होगा ये नेगेटिव ठीक है अब इस नेगेटिव अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन फिर अनस्टेबल बिकॉज कार्बन तो एक पॉजिटिव आइटम है तो इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू आप यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो जो ये पहले ही डायरेक्टली बोल रहा है कि इस बॉन्ड के इस डबल बॉन्ड के थ्रू आप एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं उसको मैं आपको शो कर रही हूँ कि कैसे बॉन्ड बना यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है बिकॉज आप बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तोड़ने के बाद अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज के साथ तो आप बॉन्ड बना सकते हैं ना ने? नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड के इक्वल होता है ये सब आपको नोन है तो हमने वही किया ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा अब नया बॉन्ड यहाँ पे बना तो अब ये नाइट्रोजन को प्रॉब्लम होगी ये क्या करेगा इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इस नाइट्रोजन के ऊपर तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो देखो ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ये भी स्टेबल हो जाता है तो सारी चीजें स्टेबल होती है किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं आता है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट किया इसको यहां शिफ्ट किया इसको यहां शिफ्ट किया तो अगर शिफ्टिंग होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा देखो शिफ्टिंग होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक नया बॉन्ड यहाँ से तो बना डबल बॉन्ड यहाँ पे बना ये बॉन्ड आपका टूटा और यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड मिला तो देखो क्या हुआ ये चीज तो हुई ये बॉन्ड यहां पे बना यहाँ पे डबल बॉन्ड आया ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पे आपको क्या मिला डबल बॉन्ड ठीक है इतनी चीज चीज आई अब एक आप यहां पे एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो ये कि ये तो आपका एनएच डबल बॉन्ड आपका एन था ये एनएच टू में कैसे कन्वर्ट हो गया अब देखो इसका कन्वर्जन कैसा हुआ वो आपको पता चलेगा जब आप रिएक्शन कंडीशन देखेंगे रिएक्शन कंडीशन में हमने एच पॉजिटिव एन दिए हुए अब ये एच पॉजिटिव एन का हुआ क्या मैं बताती हूँ यहाँ पे जब आपने इसे डबल बॉन्ड एन में कन्वर्ट किया था ये ऐसे कन्वर्ट हुआ था देखिये ये कन्वर्ट हुआ था कुछ इस तरीके से इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे शो कर दिया कि ये बन गया आपका डबल बॉन्ड ठीक है ये आपका डबल बॉन्ड ये आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड आया ठीके? ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आया आपका डब एक नया बॉन्ड ये ठीक है ऐसी स्पेसीज बनी थी ठीक है अब हुआ क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको नोन है रिएक्शन कंडीशन में एच पॉजिटिव आए आए तो आपके नेगेटिव चार्ज के अनपेड इलेक्ट्रॉन ने एक नया बॉन्ड सच पॉजिटिव के साथ अगर एक नया बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होता है तो आपको पता है ये कन्वर्ट हो जाएगा एन टू में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन साथ ही साथ क्या होगा इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से एनएच टू के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड एन टू पॉजिटिव आयन में क्लियर हुआ कितना आसान था अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना फाइनल स्टेप है सुनिएगा अब आप क्या करेंगे अब देखो अब आपने क्या करनी है फाइव मेंबर रिंग अब आपको NH2 मिल रहा है आप इसे पहले एनएस में कन्वर्ट कर दीजिए कैसे करेंगे सॉरी में कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे NH2 में करेंगे में कैसे देखो नाइट्रोजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया बट आपको पता है नाइट्रोजन तो एक नेगेटिव आइटम है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेता तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने इसके एडजेसेंट पोजीशन में जो पाई बॉन्ड था उसे तोड़ दिया नाइट्रोजन के ऊपर तो ये बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के ऊपर टूटा तो नाइट्रोजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी एलिमिनेट हुआ और यहाँ आपको क्या मिला सिंगल बॉन्ड तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में ये एरो गया यहाँ से और इसके ऊपर से क्या है पॉजिटिव चार्ज भी एलिमिनेट हो गया और ये सिंपल कन्वर्ट हो गया NH2 में क्लियर हुआ लेकिन अगर इस बॉन्ड को आपने नीचे की ओर तोड़ा देखो ये बॉन्ड अगर आपने नीचे की ओर तोड़ा ये बेचारे कार्बन एटम की क्या गलती इसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि आपने इस डबल बॉन्ड को नीचे की ओर तोड़ा तो नीचे नेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए नीचे की ओर टूटा बट ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग में सिंथेसिस कराएंगे कैसे कराएंगे देखिए होगा क्या आप क्या करेंगे यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसके ऊपर क्या लगा हुआ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी होगा इसके पास इस हाइड्रोजन एटम को इन्वॉल्व करेंगे कैसे इस हाइड्रोजन एटम के थ्रू आपने क्या किया ये वाला हाइड्रोजन एटम रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकाला और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आता है इस नेगेटिव चार्ज को आपने बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो यहां पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया ओके अब एक नया बॉन्ड यहां क्रिएट हुआ तो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई समझ में आ रहा ना हमने क्या किया देखिए मैं बता रही हूँ वापस हमने क्या किया ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकला रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपने बाहर से एच पॉजिटिव निकाला था लिया था लिया तो आपने निकाल भी दिया समझ में आया आपने आपने जिस एच एच पॉजिटिव पॉजिटिव जो लिया उसे आपने निकाला कहां से यहां से यहां बाहर निकला और कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू आपने एक बॉन्ड क्रिएट किया तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ अब नया बॉन्ड क्रिएट तो हो गया बट ये कार्बन तो अब आपका सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि एक नया बॉन्ड आने की वजह से इसकी वैलेंसी बढ़ गई अब ये कार्बन क्या करेगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा पहले मैंने डायरेक्ट यहाँ पे शो किया है मतलब इस इमेज में डायरेक्टली आपको शो किया गया बट मैं बताती हुआ क्या हुआ ये कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई इस कार्बन ने अपने बॉन्ड को तोड़ा नाइट्रोजन के ऊपर तो नाइट्रोजन को मिला नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू देन नाइट्रोजन ने क्या एक बॉन्ड क्रिएट किया इस कार्बन एटम के ऊपर तो यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड आ गया यहाँ से हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको मिला कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने एक नया बॉन्ड क्रिएट किया इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है सी ग्रुप और नीचे क्या लगा हुआ है एन इतनी चीज क्लियर आई तो हमारी क्या है ये इस हमको अभी ऑप्टेन हुई कर लेंगे इतना ऑप्टेन आसान है ठीक है

ठीक है अब कैसे होगा उसे सुनेगा ठीक है अब देखो सबसे पहले हुआ क्या यहाँ पे जो कार्बन एटम ठीक है तो कैसे करेंगे उसे सुनेगा तो देखो बहुत आसान है सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे जो का, ठीक है अब कैसे करेंगे वो सुनेगा ठीक है तो देखो ना सबसे पहले क्या यहाँ पे जो आपका कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है, CH2 के है, दो है आपने किया, यहां से तो आपको पता है, इस कार्बन के आएगा आपका एच पॉजिटिव आयन तो रिएक्शन कंडीशन में कहा से है आपने बाहर से नहीं लिया रिएक्शन कंडीशन से ही आपको मिला है तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना आप बाहर से आपने सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन लिया था और उसको आपने निकाल भी दिया क्लियर हुआ अब हुआ क्या यहां आपका जो एच पॉजिटिव आयन ना वो रिएक्शन कंडीशन में चला गया बट ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू अब यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ अब डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ तो अब इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी अब ये तो बोलेगा मैं पेंटा हो गया अब इसको एक पुराने बॉन्ड को तोड़ना होगा तो ये पुराना बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा एनएच वाला बॉन्ड टूटेगा ठीक है और एनएच कैसे टूटेगा एनएच नेगेटिव के फॉर्म में और रिएक्शन कंडीशन में से एच पॉजिटिव आइन मिलेगा और कंबाइन करके ये बन जाएगा एनएच यानी कि अमोनिया के मॉलिक्यूल को हमने निकाला बाकी आपको सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड मिला यहाँ CH3 और यहाँ पे NS तो समझ में आया तो ये हमारा क्या बन गया बेंजो पायरोल तो बना इंडोल ही तो बना बट यहाँ पे ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड बना सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या है मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला क्लियर हुआ ना हमने क्या किया जस्ट ऊपर से नीचे की ओर क्लीवेज कराइए और कुछ नहीं कराया हमने ये बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन पॉजिटिव रिएक्शन कंडीशन में है ये कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज अब ये कार्बन के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज है इसे नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में क्रिएट किया यहाँ पे बॉन्ड आ गया अब ये कार्बन तो अब ये तो नहीं है तो लिए इसने ग्रुप को निकाला तो एन टू के साथ हाइड्रोजन आएगा तो बन जाएगा एनएस और आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल गया बट यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिला क्लियर हुआ तो बस ये थी आपकी मैकेनिज्म को आपने फॉलो करके अपना प्रोडक्ट बनाना है हमने कुछ नहीं किया हमने जिस हमारे रिएक्शन कंडीशन में कैटलिस्ट को लाए एच पॉजिटिव आयन आया और जो कैटलिस्ट हमने लिया था कैटलिस्ट रिएक्शन कंडीशन में इन्वॉल्व जो क्या होता है रिएक्शन करा के निकल जाता है. A, निकल एज इट इज जाता है उसमें कुछ अमाउंट में भी चेंज नहीं होता तो हमने एच पॉजिटिव आयन निकाला और लिया और उसी को हमने निकाल भी दिया और सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ लास्ट स्टेप में हमने अमोनिया को निकाला और फाइनली हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमको मिल गया क्लियर हुआ तो ये हमारी पहली सिंथेसिस की मेथड थी जिसे आप बोलते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस ठीक है तो ये पहला मेथड था अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मैथड पर मैं आपको ये इमेजेस uh, वगैरह शेयर कर दूंगी आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है अब सेकेंड सिंथेसिस आपकी क्या है

देखेंगे तो ये मेथड आपका काफी सिंपल है और इसका जो प्रोसीजर है इसके जो स्टेप्स हैं वो काफी कन्वीनियंट रहते हैं हमारे लिए तो हम बोल सकते हैं कि इस मेथड की थ्रू भी हम इंडोल या फिर उसके डेरिवेटिव्स को बहुत आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं ओके अब प्रोसीजर क्या रहता है प्रोसीजर में हमने क्या करना होता है तो सुनेगा

क्या होगा जैडन सी एस एच तो जैडन सी एस ट्री सी जैडन और एसिडिक एसिड यहाँ पे एज अ रिडक्टिव एजेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं और इनकी वजह से जो आपके एसिड फॉर्म हुए थे उसमें साइक्लाइजेशन होगा और आफ्टर साइक्लाइज़ेशन आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि इंडोल देखने को मिलेगा क्लियर हुआ तो कुछ नहीं था आपके दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल हैं ऑर्थो नाइट्रोटोलवीन और, नाइट्रो और दूसरा है डाई मिथाइल इनकी रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड आफ्टर रिएक्शन आपको मिला ओ नाइट्रो फिनाइल जिसमें आपने हाइड्रोलीसिस कराया और ये अपने अब -अप करस्पोंडिंग एसिड में कन्वर्ट हुआ एसिड में आपने क्या कराया रिड्यूसिंग uh, एजेंट के साथ रिएक्शन कराई जैसे आपने जेडन और एसिडिक एसिड को लिया जिसकी वजह से आपके एसिड में साइक्लाइजेशन हुई और आफ्टर साइक्लाइजेशन आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि इंडोल का फॉर्मेशन देखने को मिला ओके okay, अब कैसे फॉर्मेशन हुआ तो सुनेगा देखो सबसे पहले हमने क्या किया आपने पहले रिएक्शन में आपने क्या शो करना है ठीक है तो ये बोल रहा है सबसे पहले आपने क्या लिया अपना ओ नाइट्रोटॉलवीन लिया तो सबसे पहले एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल था ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोटोलवीन इसकी रिएक्शन आपने क्या कराई डाइथैल ऑक्सीट के साथ कराई डाइथल ऑक्सिलेट को हमने ठीक है इन दोनों की रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में सबसे पहले हमने हमारा बेस लिया यानी कि सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड को हमने लिया उसके बाद हमने हाइड्रोलिस कराया था और थर्ड स्टेप में सारे स्टेप्स को लिखा हुआ है तो पहले स्टेप में सोडियम एथोक्साइड बेस लिया दूसरे और बेस लेने की वजह से हमको क्या मिला पाइरोवेट तो ये मिला देन हमने तो के हुआ तो हमने के और हमको हमारा प्रोडक्ट यानी कि इंडोल का फॉर्मेशन देखने को मिला क्लियर हुआ अब ये तो सिंपल रिएक्शन थी मैकेनिज्म आपकी कैसे होगी तो सुनिएगा मैकेनिज्म बहुत आसान है मैं डायरेक्ट करके शो कर रही हूँ ठीक है देखो सबसे पहले आपने क्या लिया अपना रिएक्टिव मॉलिक्यूल ठीक है यानी कि ऑर्थो

तो एच पॉजिटिव एन यहां है तो हम इससे एच पॉजिटिव एन निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखो मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया CH2 में okay? But ये CH2 में ओके बट बट ये कन्वर्ट तो तो होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा बिकॉज हाइड्रोजन पॉजिटिव को निकाला है तो कार्बन क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज तो देखो हमको कुछ ऐसी स्पेसीज यहाँ पे ऑप्टेन हुई बस आपको क्या है कार्बो एनाइन मिलेगा पहले स्टेप में जब आप अपने रिएक्टिव मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे अपने बेस के साथ तो वही लिखा है वेन ओ नाइट्रोटोलविन जब आपका ऑर्थो नाइट्रोटोलविन की रिएक्शन हुई

अब कैसे रिएक्शन हुई डाइथाइल ऑक्सीट के साथ तो देखिए डाइथाइल ऑक्जिलेट को आपने लिखा रिएक्शन कैसे भी आप साफ साफ देख रहे हैं डाइथल ऑक्सिलेट में आपके पास क्या है यहां पर को कार्बोनाइल ग्रुप जैसा है सी डबल बॉन्ड ओ तो आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ में आप आसानी से पॉजिटिव सेंटर निकाल सकते हैं आपने क्या किया ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो न्यूक्लोफ्लिक सेंटर जहां पर बना हुआ है ये एक पॉजिटिव सेंटर को ढूंढेगा अप्रोच करने के लिए पॉजिटिव सेंटर कहां से आ सकता है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको आप ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन को देंगे नेगेटिव चार्ज कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव सेंटर से ये न्यूक्लोफाइल जाके अप्रोच करेगा तो एक नया बॉन्ड हमारा कहाँ क्रिएट हो गया यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज तो देखो रिंग आपकी एज इट इज है सी एच टू ग्रुप आपका एज इट इज है बट एक नया बॉन्ड आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है किसके साथ इस कार्बन सेंटर के साथ इस कार्बन के, के पास एक तो आपका सी टू एच फाइव ओ ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड आपका ओ नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे साइड जो ग्रुप थे वो आपके एज इट इज है क्लियर हुआ तो हमने बस इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि ये एक नया ग्रुप आपको मिला है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आपको मिला है अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है आसानी से तो जैसे ही ये बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो देखो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी ये कार्बन आपको पेंटावेलेंट मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है एक बॉन्ड यहाँ से है, एक बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से तीन बॉन्ड तो ये होगी चार पांच बॉन्ड यहाँ से आ गए तो पांच तो ये रह नहीं सकता इसे आपने क्या करना होगा टेट्रा में कन्वर्ट करना होगा पेंटा को किस में कन्वर्ट करना होगा टेट्रा में टेट्रा में कैसे कन्वर्ट करना होगा इसे अपने पुराने ग्रुप को जिसे आप लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं उसे बाहर निकालना होगा तो सी टू एच फाइव आपका अच्छा है लिविंग ग्रुप हो सकता है तो आप यहाँ से सी टू एच फाइव को निकालेंगे तो सी टू एच फाइव में पॉजिटिव पॉजिटिव आयन आयन था के के साथ कंबाइन हुआ और OH फॉर्म में आपका एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया डबल बॉन्ड क्लियर है बहुत आसान है कर लेंगे ना इतना यहाँ से आपको सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव मिला ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऊपर ही तो जाएगा लेकिन कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्यों क्योंकि कार्बन आपका सेटिस्फाई है इसको पॉजिटिव चार्ज लगा ही नहीं सकते पॉजिटिव

ये ग्रुप निकला सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे मिला o, C इतनी चीज़ क्लियर अब अगले स्टेप में क्या है तो देखो ये स्पीज आपको मिल गया ठीक है ये स्पीज आपको मिल गया उसके बाद हमने क्या किया था हम क्या करेंगे ये जो आपका ओ नाइट्रोफिनाइल पैरोवेट है इसको इसके करस्पोन्डिंग एसिड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एसिड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एंड देन लास्टली हमने क्या करना था इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इसमें रिडक्शन कराना था तो देखो ना रिडक्शन का एक स्टेप तो ये वाला है बट इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज इसमें और भी स्टेप्स हैं मैंने बोला जैसे मैंने डायरेक्ट इमेज डाल रखी है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है क्योंकि जो मैं समझाना चाहती हूँ वो इसमें सारी चीजें नहीं होती है मैं आपको नीचे लेके जा रही हूँ इस इमेज को लेते हुए और बताती हूँ कि फर्दर रिडक्शन कैसे होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज देखेगा ये स्पेसिस के ऊपर बिल्कुल यही थी ठीक है हमने यहाँ से एक ग्रुप निकाला इसे कीटो में कन्वर्ट किया यहाँ पे आपका एनओ था ठीक है अब हमने यहाँ पे क्या लिया जेडन

तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन ने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज और आपको पता है नेगेटिव चार्ज में क्या होता है इस नेगेटिव चार्ज की अप्रोच कर सकते हो तो यहां से आपने एक बॉन्ड क्रिएट किया तो ये हुआ इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज गया इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज गया बट नाइट्रोजन के ऊपर अगेन एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ ये तो समझते हो ना कैसे हुआ मैं बता रही हूँ वापस से देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन नाइट्रोजन को क्या फील हो रहा था कि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कार्बन को क्या फील हो रहा था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना लेता हूं ताकि दोनों का फायदा हो जाए मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी हट जाए तुम्हारे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट जाए तो इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया कार्बन को दे दिया तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन के ऊपर एक अनपेयड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक है ये ठीक है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बचेंगे ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास अब ये क्या कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं तो एक नया बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट तो हुआ लेकिन देखो कार्बन अब सेटिस्फाई है नाइट्रोजन को प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि देखो नाइट्रोजन एक नेगेटिव एटम है नेगेटिव एटम के ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन बट इसने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को दे दिया उसकी भलाई के लिए लेकिन अब इसको बाद में लगेगा कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई अब अब इसके ऊपर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशियसी को शो करने के लिए हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज तो हमने क्या किया वो स्पेसीज बनाई और नाइट्रोजन को ऊपर क्या दे दिया पॉजिटिव चार्ज एक नया बॉन्ड क्रिएट है इसलिए मैं इसे डॉटेड से शो कर रही करी ताकि आपको क्लियर दिखे ठीक है अब आप क्या कर सकते हैं देखो अब आपको यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्पेसीज मिल रही है ऑक्सीजन नेगेटिव मिल रहा है नाइट्रोजन आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो अब आप क्या करेंगे आपको पता है आप ये काम कर सकते हैं कि नाइट्रोजन को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए या फिर न्यूट्रल करने के लिए इसे एक बॉन्ड तोड़ना होगा वो बॉन्ड क्या हो सकता है हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो पता है नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन रिएक्शन कंडीशन में एज अ एच पॉजिटिव आय निकल जाएगा तो यहां से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालू तो नाइट्रोजन को कौन सा चार्ज मिलेगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस होकर ये आपका सिंपल एनएच में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ओ नेगेटिव है तो ये ओ नेगेटिव किससे अप्रोच कर देगा आपके एच पॉजिटिव से और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहां बनेगा ओ OH, एच और यहाँ पे बन जाएगा एनएच क्लियर हुआ तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया ओ OH एच में इसे कन्वर्ट कर दिया एनएच में क्लियर हुआ अब आपने क्या करना है वाटर को निकालना है रिएक्शन कंडीशन से वाटर निकालेंगे कैसे निकलेगा देखो आपको पता OH है यहाँ पे ओएच है तो देखो आपको पता है यहाँ पे आपका OH है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है तो ये पूरा ग्रुप आपका एज इट इज निकलेगा तो आपने बोला वॉटर आपने निकाला तो देखो वॉटर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट इंडोल मिल जाएगा कैसे मिलेगा क्योंकि देखो ना इंडोल आपका ऐसा ही तो होता है बट यहाँ पे एक आपको फाइव मेंबर रिंग तो मिल गई बट एक डबल बॉन्ड भी तो होता है तो हम इस डबल बॉन्ड को लाने के लिए क्या करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन एज अनेगेटिव चार्ज कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज ठीक है और ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज तो यहां से तो हमारा वॉटर निकला हाइड्रोजन पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव यहां से तो हमारा वॉटर निकला लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया

ऊपर वाले में यहाँ पे सी लगा हुआ था यहाँ पे आपका सीओ सी ओ सी टू एच फाइव ग्रुप लगा हुआ है ठीक है चीज क्लियर आई तो हमने क्या कर दिया हमारा प्रोडक्ट बना लिया तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखिएगा आप ये वाले स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा ये वाला स्टेप मत कीजिएगा ये डायरेक्ट हो जाएगा ठीक है और इसमें आपको समझ में नहीं आएगा ये डायरेक्ट सा लग रहा है आप इतने स्टेप फॉलो कीजिएगा एंड देन इसको कीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लियर हुआ ना बहुत आसान है रिडक्शन आपने कराया देन आप चार्जेस देख रहे हैं चार्जेस को आपने बैलेंस करना है और फाइनली आपको आपका प्रोडक्ट यानी कि इंडोल मिल जाएगा तो ये बनती है हमारी सेकंड सिंथेसिस तो दो सिंथेसिस हमने कवर किया और दोनों बहुत आसान है ठीक है टाइम लगा होगा समझने में बट बहुत आसान है आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेफिनेटली क्लियर आएगा ठीक है ये सिंथेसिस हुई नाउ अब बात कर लेते हैं रिएक्शन इंडोल के रिएक्शन क्या है इंडोल किस टाइप की रिएक्शन शो करता है या फिर बोल सकते हो बेंजो पायरोल किस टाइप की रिएक्शन शो करता है ठीक है ओके okay. अब देखो ना इंडोल आपकी यानी कि बेंजो पायरोल आपकी कौन सी रिएक्शन शो करता है तो फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इंडोल यानी कि बेंजो पायरॉल इज इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्शन तो आपका बेंजो पायरोल भी क्या है इलेक्ट्रोफ्लिक रिएक्शन को बहुत आसानी से शो कर सकता है और वो ही इलेक्ट्रोफ्लिक रिएक्शन को आपने किसके अंदर इंक्लूड करना है बेंजो पायरोल की रिएक्शन के अंदर इंक्लूड करना है ओके तो पहली जो आपकी

क्या होती है काफी कम यानी कि बहुत कम टेम्परेचर की नीड आपको होती है अप्रोक्स जीरो डिग्री सेल्सियस आपने लेना पड़ेगा और साथ ही साथ जो ब्रोमिनेशन होगा यानी कि जो ब्रोमीन का एडिशन होगा वो कौन सी पोजीशन में होगा कार्बन थर्ड पोजीशन यानी कि आपको कार्बन थर्ड पोजीशन में ही एडिशन कराना है कार्बन थर्ड क्वेश्चन क्या होती है मैंने आपको बताया नाइट्रोजन से नंबरिंग होगी नाइट्रोजन फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड यानी कि जो आपका एडिशन होगा वो कौन सी पोजिशन में होगा इस पोजिशन में होगा ठीक है बाकी मैकेनिज्म तो हमको पता ही है जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रोफ्लिक सब रिएक्शन की मैकेनिज्म कराते हैं सेम वैसे ही आपने यहां पर को करानी है अपनी मैकेनिज्म जहां पे आपने क्या करना है अपने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देना है ब्रोमिन से तो आसान है मैकेनिज्म आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपने डालनी है तो वन आप नहीं भी एड कर सकते बिकॉज हमने रिएक्शन सिंथेसिस uh, में अपनी ऑलरेडी मैकेनिज्म वगैरह शो की है तो काफी लेंथी हो गया है बाकी आप डालना चाहे तो डाल सकते

इसकी रिएक्शन कराए बी आर टू की सात रिएक्शन हुई यहाँ पे ब्रोमिनेशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइ ऑक्न डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेनी है जीरो हाइड्रोजन था वो आपका हुआ उसकी प्लेस में आपका ब्रोमीन किया, और ये प्रोडक्ट आपको ऑप्टेन हो गया यानी कि बी आर का सब्स्यूशन हो गया क्लियर हुआ मतलब बी आर यहां पे एज अ सब्सिट्यूट एड हो गया ठीक है हाइड्रोजन का सब्सट हो गया क्लियर हुआ तो ये हुआ हमारा ब्रोमिनेशन सिमिलरली आप नाइट्रेशन भी करा सकते हैं बट नाइट्रेशन के लिए कंडीशन क्या होगी वो भी सुन लीजिएगा तो ये बोरा इंडोल अंडर नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल नाइट्रेट एट अ वेरी लो टेम्परेचर यहाँ ये बोल रहा है कि आपका जो इंडोल है ये भी आपका नाइट्रेशन बहुत आसानी से कर लेगा लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंस होनी, होनी, होनी चाहिए और टेम्परेचर भी जैसे हमने ऊपर किया था वैसे कार्बन नंबर थर्ड पोजिशन में ही आपने यहाँ पे एडिशन कराना है नाइट्रेशन में किसका एडिशन होता है एनो ग्रुप का तो एनो का एडिशन कौन सी पोजिशन में होगा आपकी थर्ड पोजिशन कार्बन नंबर थर्ड पोजिशन में ठीक है तो वही चीज आपने अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया यानी कि बेंजोपायरोल लिया इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई इथाइल नाइट्रेट के साथ कराई टेम्परेचर आपने काफी लो लिया और यहाँ से आपका एनओ का एडिशन हुआ कौन सी पोजिशन में कार्बन थर्ड पोजिशन में यहां से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ होगा और वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ नेटिव के साथ कम्बाइंड हो जाएगा हुआ तो आपने यहाँ नाइट्रेशन करा दिया अब नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन तो देखो आपका एंडोल आपका जो बेनजो पैरोल है वो आपका सल्फोनेशन भी कराता है तो सल्फोनेशन में क्या हुआ एसओ थ्री एच का एडिशन हुआ तो कैसे होगा तो सुनेगा ये बोल रहा है सल्फोनेशन ऑफ एंडोल आउट ओनली अंडर अ माइल्डर कंडीशन यूजिंग अ पैरेलिडिन सल्फर ड्राई ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स तो आप क्या कहते हैं सल्फर ड्राई यानी कि एसओ थ्री लेते हैं उसके साथ साथ आप क्या लेते हैं पैरालिडिन को लेते हैं और साथ ही साथ हीट करते हैं और इसकी प्रेजेंस में अगर आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि इंडोल की, की रिएक्शन कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन आपको सल्फोनेशन देखने को मिलता है यानी कि यहाँ पे क्या है एसो थ्री एच ग्रुप का क्या होता है एडिशन आपको देखने को मिलता है क्लियर हुआ तो ये भी आप कर सकते हैं बस रिएक्शन कंडीशन में आपने क्या लिया है पैरालिडिन लिया है और सल्फर ड्राई ऑक्साइड लिया और थोड़ा सा हीट किया हुआ है क्लियर हुआ ना ये आपका सल्फोनेशन को भी आप समझा सकते हो बाकी अगर आपने मैकेनिज्म करना है तो मैकेनिज्म आपकी वही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन

करेंगे तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं तब तक के लिए बाय बाय